हम हमारे गेस्ट टीचर्स और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मेरी तरफ से फैसल टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से और सबसे बढ़कर जी नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसा दिन है कि जो सोच हमने कुछ ऐसा पहले शुरू की वेलफेयर का काम करने के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, तो उस जर्नी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हम आज अचीव कर रहे हैं। नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, ये गिव और टेक तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर कंस्ट्रक्टेड एरिया है और अगर आप इसके लैंड की बात करें तो ATC की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए तकरीबन 27 से 28 कनाल ज़मीन चाहिए होती है। तो हमने पहले दिन से ही ऐसी सोच रखी कि बजाय कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की तरफ जाएं, हम क्यों ना खुले दिल से एक ग्रैंड विजन लेकर चलें। तो हमारे पास इस जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन पर 60 कनाल से ज़्यादा जगह मौजूद है और ना सिर्फ ये 60 कनाल, हमने अगले स्टेप्स को अचीव करने के लिए, अगली विजन को अचीव करने के लिए 101 कनाल ज़मीन फैसल हिल्स के अंदर पहले ही कैंप फाउंडेशन के नाम कर दिए। इसका क्या मकसद है, इस सब सोच का ये मकसद है कि हम कितना सीरियसली इस नेशनल कॉज को ले रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस हम जज्बे के साथ लेकर चल रहे हैं कि हम ऐसी क्वालिटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी आने वाली जनरेशन को प्रोवाइड करें कि वो ना सिर्फ इस इदारे का, इस इलाके का, बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन करें दुनिया के हर कोने में, जिस भी कोने में वो जाए। अगर मैं अपने कोर्सेज की बात करूं जी, जैसे अभी आपको बताया भी गया, ये तमाम डिपार्टमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन सबसे अप्रूव्ड है, जिसके अंदर HEC, नर्सिंग काउंसिल, DPD और अभी फॉर द टाइम बीइंग हमारी जी क्लासेस शुरू होंगी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से, जो एफिलिएशन प्रोसेस है वो कम्प्लीट है। जैसे ही नेशनल असम्बली के अंदर हमारा चार्टर अप्रूव होगा तो सब स्टूडेंट्स को नेशनल एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट के नाम से डिग्रीज अवार्ड की जाएंगी। मेरा तो बल्कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी होगी कि हम ऐसा स्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी का, इस इंस्टीट्यूट का बनाएं कि जो आपकी नॉर्म की जो अभी रेगुलर डिग्रीज हैं वो तो हर यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि कितनी कमी है नर्सेज की, तो मैं खुद क्योंकि इस फील्ड से थोड़ा सा वाकिफ हूँ, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की जो केस स्टडी थी वो नर्सिंग के ऊपर थी, तो मैं जानता हूँ कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि 1 लाख नर्सेज की कमी है। तो NHS का जो सिस्टम, जो UK का हेल्थ केयर का सिस्टम है, नेशनल उनका हेल्थ केयर का सिस्टम है, उसके अंदर इतनी कमी है नर्सेज की कि UK खुद अपनी नर्सेज पूरी नहीं कर सकता, वो अपनी सारी नर्सिंग ईस्टर्न यूरोप से इम्पोर्ट करते हैं। ये आज के दिन में सिर्फ ज़रूरियात नहीं, एक इतना इम्पोर्टेंट एसेट बन चुका है हर मुल्क के लिए कि एक मुल्की सतह पर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आपकी HR रिसोर्स मैनेजमेंट और ऐसी डिग्रीज प्रोवाइड की जाती हैं कि आपको ऐसी सर्टिफिकेशन दी जाए ऐसे पहले दिन से कि अगर आपकी एजुकेशन में कोई 19-20 कमी है जो आपके स्टैंडर्ड्स किसी और मुल्क के साथ नहीं पूरे हो रहे, तो आपको सर्टिफिकेशन ऑन पार लेकर जाती हैं कि आप अपनी सलाहियतों का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें उन मुल्कों में जाकर। तो हमारा भी जी नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट में यही कोशिश है, यही सोच है कि हम ना सिर्फ एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करें, हम इसके साथ साथ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिप्लोमास और ऐसी ऐसी डिग्रीज प्रोवाइड करें कि हमारे पास से अगर एक स्टूडेंट निकले वो जा रहे हैं, और जिस तरह की लीडरशिप हमारे पास मौजूद है, मैं इंशाल्लाह जी बहुत एक्साइटेड होकर ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आने वाले कुछ ही सालों में ये ना सिर्फ पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक होगी बल्कि इस रीजन की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक होगी। इसके अंदर हमारे रिसर्च सेंटर्स ऐसे हों और हमारे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम करें कि अगर पूरी दुनिया में इंडिया जैसे मुल्क, चाइना जैसे मुल्क जब कैटास्ट्रोफीज आती हैं, अपनी रिसर्च करके वैक्सीन्स और नए नए इनोवेशन ला सकते हैं, तो हमारे पाकिस्तान के जो इतनी डेंस पॉपुलेशन है जिसके अंदर इतने ज़हीन बच्चे मौजूद हैं,
हम क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ कि वो हमारे पास डायमंड्स मौजूद हैं, उनको वो सिर्फ इंतजार में है, सिर्फ उनको शाइन करने की ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है नेशनल एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट उन्हीं डायमंड्स को पॉलिश करने के लिए, उनको शाइन करने के लिए एक ऐसा वसीला बनेगा कि हम अपने मुल्क का नाम हर फोरम के ऊपर रोशन कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم کیونکہ یہ ایجوکیشن کا فیلڈ ہے اس کے متعلق ساری باتیں ہوگی لیکن میم نے میرے متعلق بڑی لمبی انٹروڈکٹری ایک آپ کے سامنے پیش کی تو اب میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو بیسیکلی انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا ہے एक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं जैसे अभी बताया गया कि हम सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी के साथ इसकी एफिलिएशन की है हम इंशाल्लाह ताला हमारा ये बेसिक पर्पज ये नहीं है बेसिक पर्पज ये है कि हमने अपना चार्टर लेना है नेशनल एक्सीलेंस इसको यूनिवर्सिटी बनाना है तो एनी यू इंशाल्लाह ताला ये हमारी अपनी यूनिवर्सिटी बनेगी और ये जो एक ब्रांच इसको आप कह लें या सबसे छोटी ब्रांच इसको कह लें आपके हिसाब से जो बहुत बड़ी ब्रांच होगी लेकिन ये हम हमारे हिसाब से जो बहुत छोटी ये हमारी ब्रांच है और मैं डॉक्टर नदीम कैली साहब को कहूँगा कि ये स्टेप फॉरवर्ड करें ये आप आगे की बात सोचें हम इंशाल्लाह ताला सिर्फ इस जगह को नहीं अपनी फैसल हिल अपनी जितनी स्कीमें हैं ये यूनिवर्सिटी के लिए हमें कहेंगे 100 कनाल जगह चाहिए तो 100 देंगे ये कहेंगे 300 कनाल में यूनिवर्सिटी लगती है 300 देंगे ये कहेंगे 500 कनाल या 1000 कनाल में चाहिए तो उस किस्म की यूनिवर्सिटी हम लाएंगे यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनली भी बच्चे आकर यहाँ पे पढ़े और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है अगर जोर लगाया जाए तो इधर बड़ा कुछ हो सकता है तो इंशाल्लाह ताला ये जो यूनिवर्सिटी है ये जो इंस्टीट्यूट है ये भी आपको पता है कि ये सीडीए के नोटिफाइड सेक्टर सेक्टर B17 में है तो ये इस्लामाबाद का प्राइम एरिया है और मेन जीटी रोड के है इसकी इंपॉर्टेंस का पता आपको कुछ 60 या 90 डेज के बाद पता चलेगा जब मरगला रोड 100% कंप्लीट होकर जीटी रोड से मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि आप F10 से या F11 से या D12 से सिर्फ 5 से 6 मिनट में इस इंस्टीट्यूट में आया करेंगे तो ये इस्लामाबाद के सेंटर में शिफ्ट होने जा रही है यही जगह आपको 90 डेज के बाद ऐसे लगेगा कि 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट की ड्राइव से आप F10 से इस जगह पे पहुंच सकते हैं इतनी अपना ये लोकेशन वाइज सॉलिड जगह के ऊपर आ रही है तो आपने मुसलमानों की एक हिस्ट्री भी देखी है कि मुसलमानों ने उस वक्त तक अरूद देखा जब इन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया जब इन्होंने रिसर्च की आपको पता है जमीन का एक दाया जो है सबसे पहले अल-बरूनी ने इसको इसकी मेजरमेंट की थी और किसकी एक नॉलेज की बेस पे तो ये कहाँ से होता है ये है कि जब हमारे लोग एक पढ़ेंगे मुसलमानों ने अगर दोबारा अरूज लेना है तो इनको एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा इनको रिसर्च की तरफ जाना पड़ेगा हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कैदियों को जब फतुहात हुई तो उसमें जो कैदी नबी अलैहिस्सलाम की कैद में आए तो उनमें मुख्तलिफ ऑप्शन गौर की गई उसमें एक ऑप्शन ये थी कि अगर ये जो कैदी हैं ये इतने बच्चों को अगर पढ़ा दें तो हमें इनको छोड़ देंगे तो इतनी एजुकेशन की अहमियत है और फिर एक और वाकया है नबी अलैहिस्सलाम का कि अभी इस्लाम शुरू शुरू में था बहुत कम मुसलमान थे और वो बड़े बहुत आला पाए के मुसलमान थे तो तादाद में बड़े कम थे तो एक बड़ी दूर से काफला आया उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें कुछ मुसलमान आप दे जो जाकर इस्लाम की तालीम दे जो हमें इस्लाम सिखाएं तो उस वक्त हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतने लोगों को वो एजुकेशन के लिए भेजें लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया इस्लाम की फलाव के लिए उन्होंने वो भेज दिए बाद में आपको पता है वो साजिश हुई उन्होंने रस्ते में सारे जय्ये सहाबा को जो है वो शहीद कर दिया इतनी बड़ी कुर्बानी नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी में वो एजुकेशन के लिए दी हमारे नबी अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जिंदगी में इतने गुस्से में कभी नहीं आए थे जितने गुस्से में वो इन उस्तादा के जो कत्ल हुए थे इनके ऊपर हुए थे और उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने पहली दफा इतनी सख्त बददुआ दी थी उन लोगों के लिए
कि जो मेरा ख्याल है कि हमारे नबी जो थे वो रहमतुल्लाह अलैहिम थे, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते थे, लेकिन उन्होंने इस मौके के ऊपर बहुत सख्त बददुआ दी थी। और किसके लिए दी थी? उस्तादा के लिए दी थी। तो जैसे क्यारी साहब ने कहा, इंशाल्लाह ताला ये जो कैंपस, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है या इसका जो एरिया है या इसका बनाने का जो मियार है, आगे जो आपको यूनिवर्सिटियां देखेंगे, हमारा एक अपना मियार है, वो आप देखेंगे कि हम इसको किस लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो हम अगला कैंपस बनाएंगे उसका कोई भी मुकाबला पाकिस्तान में करेगा। तो मेरी दरख्वास्त होगी नदीम कैरी साहब से कि उसके लिए वो अभी से साफबंदी करें, वो अपना स्ट्रक्चर उसी हिसाब से अप करें, ताकि जब आगे इस तरह की हाईटेक यूनिवर्सिटियां बने, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट भी जरूरत है, जगह हम देंगे, बिल्डिंग हम देंगे, उसमें जितना इक्विपमेंट लगेगा वो हम देंगे, क्योंकि ये बड़ी कॉस्टली चीजें हैं। तो जब हम एक हाई एंड एक चीज बना के देंगे, तो फिर कैरी साहब का काम है कि उसमें जो हमारे टीचर हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं, वो भी उसमें डीन जो टीचिंग का स्टाफ है या रिलेटेड है, आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, जितना लेटेस्ट इक्विपमेंट एजुकेशन का वो लगाएंगे, उतने ही अच्छे बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल करेंगे। पढ़े लिखे बच्चे की, काम वाले बच्चे की इस पाकिस्तान में भी बहुत डिमांड है। ऐसे लोग कहते हैं कि जी पढ़ के काम नहीं कर, आप पढ़ने वाले बने, काम करने वाले बने। हमारा अदारा फैसिलिटॉन, हम डेली इंटरव्यू करते रहते हैं, हमें बंदे ही नहीं मिलते। हम 50 वैकेंसियां देते हैं, बीच में 20 सिलेक्ट होते हैं, बाकी फिर हमें देनी पड़ती है। तो अच्छे लोगों की हर वक्त डिमांड है। तो अगर आप अच्छा तालीम हासिल करते हैं और आप इसमें अच्छा काम करते हैं, तो आपकी हर जगह डिमांड है और पूरी दुनिया में डिमांड है। जैसे नर्सिंग का काज, ये तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जो है इसे फॉरन जो है वो रिजल्ट आ सकते हैं। तो मेरी दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि हम इंशाल्लाह ताला आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर आए, इसमें दाखिले लें। और ये कैंपस पहले दिन से पढ़ जाना चाहिए। पहले हमारे साथ इतनी बड़ी हमारी B17 की स्कीम है, जैसे मैंने कहा 3 माह के बाद इस्लामाबाद है, कोई F11 का बंदा है, कोई F10 का बंदा है, कोई D12 का बंदा है। ये जो सराउंडिंग एरिया है, इसमें इस कैंपस के बारे में बात होनी चाहिए। हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इनका काम है कि इसको पिन करके इसकी लोकेशन हर जगह पे पहुंचाए। तो ये पहले दिन से यूनिवर्सिटी, और अभी तो इसके 4 फ्लोर ऊपर खाली पड़े हैं, जैसे जैसे रेनोवेट करके आप चाहेंगे हम आपको इंशाल्लाह ताला देते जाएंगे। फिर हमारी राइट साइड के ऊपर काफी जमीन पड़ी है, इसके हम इधर भी नए ब्लॉक बना सकते हैं। तो जमीन तो भी इस जगह पे भी हमारे पास बड़ी पड़ी है। तो बस मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो पढ़ाने वाले हैं वो अच्छे तरीके से अपना पढ़ाएं, और जो स्टूडेंट है वो भी आए, और कियानी साहब इसकी अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, क्योंकि हमने ये सारी चीज, हमें इनके ऊपर 100% ट्रस्ट भी है, हमने डॉक्टर नदीम कियानी साहब के हैंड ओवर सारा कुछ किया हुआ है, यही इंशाल्लाह ताला करेंगे। और ये पाकिस्तान की मेरी ख्वाहिश होगी जो टॉप ऑफ दी लाइन यूनिवर्सिटी है, उसमें इंशाल्लाह ताला इस इंस्टीट्यूट को शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।